Hello guys, today once again a very warm welcome to all of you in our brilliant classes. आज का अपना टॉपिक रहेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में प्रेजेंट टेंस की चारों सब कैटेगरीज और पास्ट टेंस की फर्स्ट सब कैटेगरी दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखा था, उसी कड़ी में आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस दैट इज पास्ट टेंस की सेकेंड सब कैटेगरी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की, कि हम कैसे पहचान करें कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो जो हिंदी वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया के पश्चात रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द यदि हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के बाद लगे होते हैं तो वो हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करते हैं। मीन्स हमें ये याद रखना है था, थी, थे तो पास्ट टेंस से मीन्स आएगी, अब कंटिन्यूस में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे मुख्य क्रिया के साथ है, इट मीन्स वो कंटिन्यूस टेंस है। ये सीधा हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए और उसके बाद पीछे था, थी, थे लगाए मीन्स वो पास्ट का मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस से वो हिंदी वाक्य बिलोंग करता है। तो पहचान के बाद हम बात करते हैं कि उन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो हम अलग अलग वाक्यों को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मीन्स उनके सेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूलेज बना के उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि सकारात्मक वाक्य जो पॉजिटिव सेंस देते हैं, यानी कि जिनमें नोट या क्वेश्चन मार्क का भाव नहीं हो, मीन्स पॉजिटिव सेंस देने वाले वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और उनका उन हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एंड मुख्य क्रिया के रूप में मीन्स मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फॉर्म दैट इज आई एन जी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दैट इज वर्ब की फॉर्म फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम हिंदी वाक्य लें जैसे कि मैं खेल रहा था, ठीक है, तो आई वाज प्लेइंग, या आई सब्जेक्ट एंड वाज हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग जो खेलने की फॉर्म आ गई। अब बात करें यदि नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि जो नॉट का सेंस देते हैं वो नहीं का भाव देने वाले वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, देन नॉट टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव सेंटेंस, एंड मेन वर्ब वर्ब की फॉर्म फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कंप्लीट। यदि इसी वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए कि मैं नहीं खेल रहा था तो वो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा आई वाज नॉट प्लेइंग, जहाँ पे आई एज ए सब्जेक्ट एंड वाज एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव सेंटेंस एंड प्लेइंग दैट इज प्लेइंग की फॉर्म फॉर्म। नाउ बात करते हैं इंटरप्रेटिव सेंटेंस की, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क का बोर्ड करते हैं उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं एंड देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फॉर्म फॉर्म एज मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क में ले जाते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सेंटेंस के सेंस को चेंज कर देता है। तो अंत में हमारे क्वेश्चन मार्क लगाना है। यदि इसी वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें कि मैं खेल रहा था तो हिंदी वाक्य इंट्रोगेटिव में हो जाए क्या मैं खेल रहा था, मीन्स वाज आई प्लेइंग एंड देन साइन दैट इज क्वेश्चन मार्क। मतलब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जैसा कि नाम से पता चल रहा है दिस इज मिक्सर ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स सबसे पहले एज ए हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड देन वर्ब वी फॉर फॉर्म एज ए मैन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। यदि इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लें तो हो जाएगा क्या मैं नहीं खेल रहा था, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले वाज एज ए हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आई, देन नॉट टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव एंड देन प्लेइंग एंड देन क्वेश्चन मार्क वाज आई नॉट प्लेइंग। इस प्रकार आज का अपना टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।